हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी बुक चैप्टर नंबर 2, ज्योग्राफिक ग्रिड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अर्थ ग्रिड। अ ग्रिड इज अ सीरीज ऑफ इंटरसेक्टिंग और क्रॉसिंग लाइन यूज फॉर लोकेटिंग प्लेस ऑन अ मैप और अ ग्लोब। अभी हम ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रिड क्या होता है? लाइंस होती है मैप या ग्लोब पे, क्रॉसिंग जैसी दिखती है। ग्रिड मतलब ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके जो पैटर्न बनता है, जैसे हम टिक टैक टो में खेलते हैं वैसे पैटर्न को ग्रिड बोलते हैं। ऑन द स्फेरिकल ग्लोब इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू इंडिकेट द एग्जैक्ट पॉइंट फ्रॉम विच वी कुड बिगिन मार्किंग द लाइंस ऑफ ग्रिड, एज इट वुड लैक द प्रिसाइज स्टार्टिंग अ पॉइंट। स्फेरिकल ग्लोब में, जो सर्कल ग्लोब होता है, उसमें पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जैक्ट पॉइंट मार्क कर दें जहाँ पे हम खड़े हैं, इसलिए ग्रिड का यूज किया जाता है। सिंस द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ईच एंड इज नोन एज द पोल एंड मिड वे बिटवीन दीज टू पोल्स लाइज इक्वेटर। दो पोल्स के बीच में इक्वेटर होता है और अर्थ के हर एक एंड पे पोल होता है। वन सीरीज ऑफ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ टू साउथ जो लाइन ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जब इक्वेटर से ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड। जब नॉर्थ टू साउथ पोल पे रहेगा तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जब वही लाइन इक्वेटर से ड्रॉ होगा मतलब स्लिपिंग लाइन में रहेगा तो लैटिट्यूड, स्टैंडिंग लाइन में रहेगा तो लॉन्गिट्यूड। दिस द नेटवर्क ऑफ मेरिडियंस ऑफ पैरेलल्स आर कॉल्ड अर्थ ग्रिड। जो मेरिडियंस और पैरेलल्स रहेगा उसको हम अर्थ ग्रिड बोलते हैं। एंड देयर इज इंटरसेक्शन इनेबल अस लोकेट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ विद प्रेसिशन। और जो इंटरसेक्शन रहेगा, जो पॉइंट जनरेट होगा, हम उसी पॉइंट के थ्रू अर्थ पे कोई भी पैर जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पे पता निकाल सकते हैं वहाँ का। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी रेफरेंसेस लाइन अडॉप्टेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस बाय ऑल कंट्री टू अवॉइड कन्फ्यूजन। डिस्टेंस These references lines are measured in angles and not in linear units. Distance जो होता है इस lines के बीच का उसको angle में measure किया जाता है, units में measure नहीं करते हैं। Geographic grid, the network of parallel of longitude and meridian of longitude drawn on a globe or map is called geographical grid. जो latitude और longitude पे जो lines draw की रहती है globe या map पे, उसको geographical grid कहते हैं। Latitude are east to west lines which are parallels to each one another. Meridians are north to south line. Meridian converge at two pole. Meridian दो pole पे converge रहते हैं, एक साथ मिलते हैं, latitude नहीं मिल पाते हैं। Parallels and meridians intersect each other at right angle. These imaginary lines form grid of reference lines of rotating place on earth. इट इज रेफर्ड टूअर्ड्स अर्थ ओन ग्रिड। जो पैरेलल्स और मेरिडियन जो इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे एक लाइन बना, ऐसे एक लाइन बना, फिर ऐसे और ऐसे लाइन बना, दो लाइन एक साथ दो पॉइंट पे मिल गए, वो जो इंटरसेक्शन होगा उसी इंटरसेक्शन से हम अर्थ पे कोई भी पोजिशन को लोकेट कर सकते हैं। द पोजिशन ऑफ दिल्ली इज इंडिकेटेड बाई 28° 40' नॉर्थ एंड 74° 14' ईस्ट। This means Delhi is located at the angular distance of 28° 40' north of equator and 77° 14' east of Greenwich meridian. क्योंकि जो meridians रहते हैं वो Greenwich meridian रहता है और parallels equator को रहेगा। The position of Delhi is an intersection of 28° 40' north latitude and 77° 14' लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ दिल्ली का इतना एंगुलर डिस्टेंस बनता है। देखिए यहाँ पे दिल्ली रोकेट की करती है, यहाँ पे जो एंगुलर डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे ऐसे करके मेरिडियंस ग्रीनविच का और इक्वेटर का, यहाँ लोकेट कर रही है एंगुलर डिस्टेंस पे। इट इज़ नेसेसरी टू गिव द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यूज ऑफ स्टेशन इन ऑर्डर टू लोकेट इट प्रेसिसली ऑन द अर्थ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए रहती है अर्थ पे लोकेशन पता करने के लिए। व्हाइल वी गिव लैटिट्यूड वैल्यूज द लेटर्स एन और एस, इट शुड बी एडेड टू इंडिकेट वेदर द स्टेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द सदर्न हेमिस्फीयर।
उनका पहला स्टेशन क्या है? नॉर्थ और साउथ, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिफाइन करे। दूसरा है उनका ई और डब्ल्यू, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड इक्वेटर, द अर्थ रोटेट ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस, द टू एंड ऑफ विच अपीयर्स एज अ पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस एंड आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द अर्थ। द पोल विच पॉइंट टूवर्ड्स द पोल स्टार इज नॉर्थ पोल, व्हाइल द अपोजिट इज साउथ पोल। जो पोल नॉर्थ स्टार के साथ पॉइंट करते रहे उसको कहेंगे नॉर्थ पोल, और उसको अपोजिट पोल को साउथ पोल कहेंगे। और इमेजिनरी लाइन्स होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हमें दिखते नहीं हैं, हम जस्ट इमेजिन करते हैं ताकि हम लोकेट कर सकें प्लेस को। द इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन विच लाइज मिडवे बिटवीन द टू पोल्स। इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है जो टू पोल्स के बीच में पाई जाती है। ये रहा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ये रहा इक्वेटर, दो पोल के बीच को बीच इक्वेटर रहता है। द इक्वेटर इज जीरो डिग्री, इक्वेटर जीरो डिग्री है। द इज द रेफरेंस लाइन यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस टू नॉर्थ एंड साउथ। इक्वेटर रेफरेंस लाइन है जो नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करे। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, नॉर्थन एंड सदर्न। इक्वेटर दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न और सदर्न। कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड डेफिनेशन, द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस से पॉइंट ए इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मेजर्ड इन डिग्रीज। इफ पॉइंट ए इज लोकेटेड 40 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, द लैटिट्यूड ऑफ ए इज एक्सप्रेस्ड इन 40 डिग्री नॉर्थ। अगर पॉइंट ए लैटिट्यूड का पॉइंट ए का एंगुलर डिस्टेंस निकाला जाए तो लैटिट्यूड इक्वेटर के 40 डिग्री नॉर्थ में लोकेट होगा। अगर हमको जैसे उसको रखेंगे वैसे, तो हमने रखा लैटिट्यूड को 40 डिग्री नॉर्थ में। इफ पॉइंट बी इज लोकेटेड 60 डिग्री टू द साउथ ऑफ इक्वेटर, द लैटिट्यूड बी इज 60 डिग्री साउथ। अगर जो इक्वेटर का है साउथ रीजन, उसमें 60 डिग्री लोकेट किया हुआ है एंगुलर डिस्टेंस, तो लैटिट्यूड का 60 डिग्री इक्वेटर में रहेगा, 60 डिग्री साउथ। द इक्वेटर इज टेकन 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड आर मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री का मेजरमेंट रहता है, नॉर्थ और साउथ ऐड करना रहता है बस। कैलकुलेशन ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, अब हम हर एक डिग्री का अलग अलग रहेगा तभी हम पता लगा सकते हैं 4 डिग्री 5 डिग्री इन डिग्री का डिस्टेंस क्या रहेगा। तो एक डिग्री का डिस्टेंस कितना रहता है अभी हम वो पता लगाएंगे लैटिट्यूड के हिसाब से। The distance of equator to 90 degree north covers a distance of 1/4 of circumference of earth or 40,000 kilometer or 25,000 miles. 1 degree of latitude is equivalent to the length of 111 kilometer or 69 miles. Calculation kya rahega? 1 degree latitude ka hota hai circumference of earth upon 360 degree. सर्कमफ्रेंस अर्थ का है 40,000 किलोमीटर अपॉन 360 डिग्री। क्यों हमने लिया है? क्योंकि एक फुल राउंड 360 डिग्री का होता है, इसे सर्कमफ्रेंस अपॉन 360 लेंगे, मतलब 40,000 अपॉन 360 को हम अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 111 किलोमीटर। एक डिग्री का किलोमीटर हो गया 111। अगर हम अर्थ पे एक डिग्री यहाँ से वहाँ घिसकाते हैं पॉइंट को, तो एक 111 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। या माइल्स में निकालेंगे तो 69 माइल्स आंसर आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर लोकेटिंग द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द ग्लोब, द डिग्री आर फर्दर सब डिवाइडेड। अगर हमको और डिवाइड करना है एग्जैक्ट पोजिशन निकाल के, तो जो डिग्री है वो और डिवाइड होते रहता है, तो हमको एकदम पॉइंट का लोकेशन मिल जाता है। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। 1 डिग्री का और पास लेना है तो 60 मिनट से डिवाइड करते हैं, फिर 60 सेकेंड, फिर 60 मिली सेकेंड, ऐसे आगे बढ़ते रहता है। लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ऑल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन्स विच जॉइन ऑल प्लेसेज हैविंग सेम एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ टू द इक्वेटर, इट इज मेजर्ड इन डिग्री। अब हम लैटिट्यूड का बात करते हैं। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जिसका एंगुलर डिस्टेंस हर प्लेस का नॉर्थ और साउथ इक्वेटर में सेम रहता है, और लैटिट्यूड डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जॉइन नॉर्थ से होता है इक्वेटर पे,
तो 40 डिग्री जो लैटिट्यूड ज्वाइन होगा ऑल प्लेसेस पे, उसका एंगुलर डिस्टेंस 40 डिग्री ही नॉर्थ रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा, एंगुलर डिस्टेंस निकालो या वो ज्वाइन हुए। द इक्वेटर 0 डिग्री इज ऑलमोस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, द लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, द अदर लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर शॉर्टर इन लेंथ, द लेंथ ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज विद द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री लैटिट्यूड इज ओनली हाफ लेंथ ऑफ द इक्वेटर, 60 डिग्री लैटिट्यूड निकालेंगे हम लोग अगर, तो इक्वेटर का हाफ लेंथ रहेगा। इक्वेटर भी ऑलमोस्ट लैटिट्यूड का लाइन रहता है लेकिन अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऑल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर, हर एक लाइन जो लैटिट्यूड का होता है वो पैरेलल होता है इक्वेटर के, मतलब कभी टच नहीं होता है लेकिन सर्कल पैरेलल होता है, क्योंकि गोल घूमता है वो। द टू पोल्स आर हाउएवर पॉइंट 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, दो पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है, इसलिए हम इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। बिसाइड द इक्वेटर एंड टू अदर पोल्स द अदर इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इक्वेटर के अलावा भी बहुत सारे लाइन्स है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सब 23 डिग्री नॉर्थ पे लोकेट होते हैं, और आर्टिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल 62 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और साउथ रिस्पेक्टिवली पे लोकेट किए जाते हैं। यहाँ रहे यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ नीचे 90 डिग्री साउथ, ये दो पोल्स रहेंगे। 66 डिग्री यहाँ पे नहीं लोकेट किया है लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके हम 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ लोकेशन रहेगा, ये 0 डिग्री है रहेगा इक्वेटर, 23 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ ये रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन। लैटिट्यूड एंड हीट जोन ऑफ द अर्थ, हर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन मार्क द लिमिट ऑफ द टॉरिड जोन, टॉरिड जोन क्या होता है, जैसे गर्म जोन जो रहता है। इन दिस जोन 0 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, द सन रेज आर ओवर हेड एट लीस्ट फॉर वन डे इन अ ईयर। इन सब जोन में सन ओवर हेड रहता है, एक साल में कम से कम एक दिन सर ओवर हेड रहता है, ये कुछ मिनट के लिए रहता है बस, कभी कभी, हमेशा ये फिनोमिना नहीं देखने मिलता है, लेकिन ये फिनोमिना सिर्फ टॉरिड जोन में देखने मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन में। और टॉरिड जोन कहाँ है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल्स पे। द आर्टिक सर्कल मार्क्स द लिमिट ऑफ द नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड नॉर्थ पोलर जोन 66 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। आर्टिक सर्कल और नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोलर जोन वो लिमिट मार्क करता है, नॉर्थ फ्रिजिड और नॉर्थ पोलर जोन आर्टिक सर्कल के लिमिट मार्क करता है। द अंटार्कटिक सर्कल मार्क द लिमिट ऑफ साउथ फ्रिजिड और साउथ पोलर जोन, इन सब में गर्मी नहीं रहती है, ठंडे सा मौसम रहता है, जैसे पोलर जोन, पोलर हमें नाम सुन के पता चलता है कि ये ठंडा मौसम रहेगा यहाँ पे। द जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इज कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो जोन रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और आर्टिक सर्कल के बीच में, इसे कहेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, नॉर्थ पोल में यहाँ पे अंदर है नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ पोल में साउथ फ्रिजिड जोन। ये रहा नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन में आर्टिक और सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर होता है। साउथ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल कवर होता है। बीच में रहा इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिकल जोन और नीचे टॉरिड जोन, हो गया। इतने यही डायग्राम है जिसके बेस पे हम पूरा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। 23 डिग्री एंड नॉर्थ टू 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, द जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन, जो जोन रहेगा अंटार्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में उसको साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन वी डिवाइड इनटू अर्थ इनटू फॉलोइंग जोन, जैसे सन की हीट मिलती है वैसे हम अर्थ को डिवाइड कर दिए हैं कुछ जोन्स में। पहला जोन है टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन, ये जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री है नॉर्थ और साउथ के बीच में। इन लैटिन टॉरिड का मतलब होता है टू पार्च या रोस्ट, और इसका मतलब हो गया रोस्ट मतलब गर्मी ज़्यादा रहेगी। इट इज वाइडेस्ट जोन विद इन इट द बाउंड्री ऑफ द सन इज ओवर हेड ट्वाइस इन द ईयर, ओवर हेड रहता है सन पूरे साल में कम से कम ट्वाइस ड्यूरिंग इक्विनॉक्स, अगर इक्विनॉक्स फिनोमिना हुआ
तभी सन ओवरहेड आएगा एयर ट्वाइस में. इट इज हॉटेस्ट रीजन बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर. लाइज द डॉल्ड्रम्स ऑफ इक्वेटोरियल जोन. इट इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर बिकॉज इट रिसीव्स वर्टिकल और ऑलमोस्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर. इस एरिया में प्रेशर बहुत कम रहता है क्योंकि सन की एनर्जी इतनी ज्यादा रहती है, एकदम वर्टिकल लाइन में सन रेज मिलती है. इट इज ऑल बेस ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड द मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. टेम्परेट जोन. नेक्स्ट जोन है टेम्परेट जोन. द नॉर्थ टेम्परेट जोन 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ टू 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल. एंड द साउथ टेम्परेट जोन 23 डिग्री हाफ साउथ टू 66 डिग्री हाफ साउथ स्ट्रेचेस फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू द अंटार्कटिक सर्कल. टेम्परेट जोन थोड़ा वाइडली फैला हुआ है. नॉर्थ टेम्परेट जोन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल, फिर साउथ टेम्परेट जोन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल. ट्रॉपिक ऑफ टेम्परेट जोन ज्यादा फैला हुआ जोन है. दीज जोन लाई बिटवीन टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन मतलब गर्मी का एरिया, फ्रिजिड जोन मतलब जमा हुआ एरिया. इन दोनों के बीच में रहते हैं, इसलिए समर और विंटर के कंडीशन इक्वल बिटवीनली मार्क्ड रहते हैं इन जोन्स में. इन समर द डे कीप गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर एज यू गो टुवर्ड्स द पोल एंड इन विंटर द डे आर गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर. दिस जोन इज द मोस्ट कंफर्टेबल लिविंग एंड वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन दिस रीजन. ऐसे रीजन में टेम्परेट जोन में बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. राजस्थान की बात कर ले तो वो टॉरिड जोन में आ जाता है. पोलर रीजन्स की बात कर ले तो वो फ्रिजिड जोन में आ जाता है. वहाँ पे लिविंग कंडीशंस मुश्किल हो जाते हैं. जम्मू कश्मीर फ्रिजिड जोन में आ जाता है, पोल्स के पास आ जाता है, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस मुश्किल हो जाते हैं. लेकिन जहाँ पे हम नॉर्मल बात करें जैसे नॉर्मल शहर की, तो वहाँ पे लिविंग कंडीशंस सही रहते हैं क्योंकि सीजन वाइज हम आदमी अडेप्ट कर लेता है अपने आप को. द फ्रिजिड जोन. द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोलर जोन 90 डिग्री नॉर्थ. द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ साउथ एंड द साउथ पोलर जोन 90 डिग्री नॉर्थ. फ्रिजिड जोन नॉर्थ फ्रिजिड जोन रहते हैं अंटार्कटिक सर्कल और साउथ फ्रिजिड जोन अंटार्कटिक सर्कल में. नॉर्थ फ्रिजिड जोन आर्टिक सर्कल में रिस्पेक्टिवली रहता है. फ्रिजिड जोन मतलब जहाँ पे बहुत ठंडा है, यहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती है या तो 9 के बराबर सनलाइट यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती, इतना स्लैंटिंग रे रहता है. द आर्टिक सर्कल फ्रॉम 23 सेप्टेम्बर टू 21 मार्च एंड रीच द अंटार्कटिक सर्कल फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सेप्टेम्बर. दीज आर द कोल्डेस्ट जोन. ये कोल्डेस्ट जोन है. In winter, the sun does not rise for at least 24 hours within the margin of this zone. At the poles, they have 6 months of light and 6 months of darkness. The ground freezes deeply in winter and remains frozen for major part of the year. The divisions are broad and there are several factors that affect them climatically, altitude, distance from sea, etc. The zone in which one lives influences the food one eats, the clothes one wears and the type of work one does. ये सब जो zones रहते हैं वहाँ पे हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ह्यूमंस के काम, क्लोथ्स, खाने का तरीका सब चेंज हो जाता है. लॉन्गिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन. द ग्रीनविच मेरिडियन इज द रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस. द ग्रीनविच मेरिडियन कन्वर्ज द टू पोल एंड पास थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर द लंडन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट लैटिट्यूड के बीच में से होकर निकलता है. कंसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड. डेफिनेशन. द लॉन्गिट्यूड ऑफ पॉइंट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन. फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन. द लॉन्गिट्यूड ऑफ सी इज 60 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट बी और सी पॉइंट्स पे ग्रीनविच मेरिडियन लोकेट किया हुआ है. द ग्रीनविच मेरिडियन इज नंबर्ड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. द लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री. 0 डिग्री से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेजर किया जाता है जो ग्रीनविच मेरिडियन का नंबर्ड है. द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड.
लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड विच जॉइन ऑल प्लेसेस हैविंग सेम एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्री अलॉन्ग विद द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो हर प्लेस पे सेम एंगुलर डिस्टेंस पे मेजर किया जाता है इक्वेटर ईस्ट वेस्ट या प्राइम मेरिडियन को साथ में लेके। ऑन द ग्लोब ऑफ ऑल लाइंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ द इक्वल लेंथ दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ग्लोब पे लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से साउथ पोल पे रन करता रहता है। Lines of longitude are called meridians because all places along the same meridian of longitude experience noon or midday at the same time. इस lines को meridians बोलते हैं कि सारे meridians को हर एक अपने साथ में midday या noon time को experience करना रहता है। The same time longitude is numbered in 180 degree east and 180 degree west. Thus the 180 degree longitude that lies just opposite at the prime meridian 0 degree together form one complete circle dividing the earth into eastern and western hemisphere. 180 degree is both east and west. 180 degree east or west dono pe divide hota hai earth eastern aur western hemisphere pe. Unlike the parallels of latitude where the equator is only great circle dividing earth into two equal half. लैटिट्यूड की तरह ही नहीं है यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में कि एक ग्रेट सर्कल अर्थ को दो हाफ में डिवाइड कर रहा है। सारे मेरिडियल सर्कल्स में कंप्लीट हाफ डिवाइड करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर द जोन बिटवीन प्राइम मेरिडियन इज 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द अपोजिट जोन इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर इज इंटरसेक्टेड बाय 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। The intersection of line of longitude and meridian of longitude gives the exact position of the place on the globe of Earth. The distance between the two consecutive longitude decreases gradually with the distance away from the equator. This is because the meridians of longitude converge at the two poles, whereas the distance between two consecutive meridians decreases gradually. The distance between two consecutive latitude remains constant. This is because lines of latitude are parallel lines. There is no higher latitude than 90 degree north to 90 degree south. 90 degree north or 90 degree south से ज़्यादा बड़ा कोई latitude अभी exist नहीं करता है. Longitude and time. Due to spherical shape of Earth, only one half of Earth is illuminated by sun at any given time. जो अर्थ का शेप स्फेरिकल है इसलिए जो टाइमिंग है सन का वो एक टाइम पे एक ही हेमिस्फीयर को दे पाता है। अदर हाफ इज डार्क एंड एक्सपीरियंस इज नाइट। अर्थ के दो हेमिस्फीयर होते हैं, सन एक ही साइड से जो सन रेज है एलिमिनेट करता है इसलिए एक ही साइड उसको सन रेज मिलता है, दूसरे हाफ अभी तक डार्कनेस ही करता है। इसलिए हमारे इंडिया में और फॉरेन के बीच में कुछ घंटों का डिफरेंस होता है। उस घंटों का डिफरेंस क्यों होता है मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में, क्योंकि सन वहाँ पे अभी तक लोकेट नहीं किया है, सन रेज वहाँ तक पहुँची ही नहीं है। The Earth takes 24 hours to complete one rotation. This means 360 degree of longitude are covered in a period of 24 hours. Earth 24 hour लेता है एक rotation के लिए। इसका मतलब 360 degree longitude 24 hours में cover हो गया है। This rise allows the time difference of 24 into 60 divided by 360 or 4 minute or 1 latitude. ये calculations 4 minute के लिए होती है, एक लैटिट्यूड का जो रहेगा वो 4 मिनट रहता है। द टाइम डिफरेंस इज टू बी एडेड इन द केस ऑफ प्लेस टू द ईस्ट ऑफ द पॉइंट इन केस ऑफ प्लेस टू द वेस्ट द टाइम डिफरेंस इज टू बी सब्सट्रैक्टेड। टाइम डिफरेंस ऐड किया जाता है जब ईस्ट का पॉइंट रहे और सब्सट्रैक्ट किया जाता है जब वेस्ट पॉइंट रहे। इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द टाइम एट गिवन प्लेस ए फ्रॉम द टाइम रिकॉर्डेड एट बी At the longitude difference experience station AB, a few worked examples are given. ये possible calculations रहते हैं A और B station के लिए। मतलब A और B stations क्या हो गए? Station मतलब north, west, east, south। ये सब stations बोलते हैं। A और B यहाँ पे north और south को बोला जा रहा है। Local time यहाँ से हम next part में पढ़ाई कर लेंगे। I hope मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो अभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।